गुड इवनिंग। आज ना मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, अभी 6:10 हुआ है, 6:30 बजे से एग्ज़ाम है। तो अभी मैं तैयार हो गई, देखिए, और मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बोलती हूँ ना कि अप्रैल महीना मैं इतना बिजी रहती हूँ, मतलब फुर्सत ही नहीं होता है। पर आई होप आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ामिनर आ गए, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए, मैं जा रही हूँ। तो वहां जाके फिर दिखाती हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। दीदी, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आज आपने क्या पहना है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, आज एग्जाम है या हमारे एग्जामिनर है? ये है गौतम सरकार दादा, जो कोलकाता से आए हैं। ये बहुत बड़े कलाकार हैं। इनका मतलब ये ममता शंकर के साथ बहुत साल काम किए, विदेश में बहुत प्रोग्राम किए, एंड खुद का स्कूल है। इनकी वाइफ छोटी थी, शी इज अ फैबुलस डांसर। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, कितने अच्छा क्लासेस है उनका, इंस्टीट्यूट है, हर बड़े बड़े प्रोग्राम में हम देखते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया होकर ये फायदा है कि सब पता चल जाता है, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सालों से दादा आ रहे हैं हमारे यहाँ एग्जाम लेने, पर कोविड में 2-3 साल हम मिले नहीं। तो बहुत 3-4 साल के बाद, मतलब बहुत समय के बाद हम फिर से मिले, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? मौलिक के बोलने से थोड़ा से नहीं होगा, बहुत बड़ा भाई। इसलिए पहले तो उसका नाम सुना, रविंद्र भारती कलकत्ता का। उसी टाइम में तो स्टूडेंट था, उसी टाइम में हम लोग मालूम था कि मौली के थे, लड़की है कथक का, बहुत बढ़िया। मेरा दोस्त भी वहाँ पर है, मेरा एक प्रोफेसर मौली प्रोफेसर बहुत है, तो मौली का नाम वहाँ बढ़िया से उजागर रहे हैं। बट बम्बे में जब हम आया एग्जाम के लिए, तब मौली का घर में आया, ऐसे देखो तजुब कुंजे, इतना स्टूडेंट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, हम लोग तो बहुत बढ़िया लगा। जे जितना कथक का जो मेन प्रोसेस, जो आइडिया, ये मौली का पास मिलता है, स्टूडेंट लोग को भी अच्छा लगता है। इसका सिखाने के उन का स्टाइल, कथक ओरिजिनल जो स्टाइल होता है, आजकल तो मीडिया में बहुत इधर उधर सब डांस करता है, क्रिएटिव डांस होते हैं, क्या होता है कथक जब बोलती हैं वो तो, लेकिन ठीक नहीं है उसको, एकदम गरबा वाला सब, एकदम मिक्स करके उल्टा सीधा क्लासिकल ले देता है, ये ठीक नहीं है। ओरिजिनल क्लासिक सीखने से एनी डांस वो करने सीखता है, एनी वन विद द डांस। आई थिंक मौलिका एकदम बहुत ऊंचा हो, और जो छत्री लोग जितने आते हैं मत छोड़ो, मौली के पास एक पकड़ के रखो, बहुत अच्छा चीज है। एक्चुअली आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि एक तो बंगाली ऊपर से कोलकाता के, तो हिंदी थोड़ा ऐसे ही है, पर बड़े छोटे वो बात नहीं, बात प्यार की है। मतलब जिस दिल से और जिस प्यार से उन्होंने मेरे बारे में कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारा रिलेशन ना बहुत सालों से, मैं तो बहुत छोटी थी जब कोलकाता में मैं रहती थी, शादी हो गई, मेरा 36 ईयर्स हो गया, तो कितने सालों बाद भी ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे सबके दिल में कला के लिए बहुत प्रेम है, और एक दूसरे के प्रति बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कम से कम कि अच्छा काम करें। फिर तो भगवान का आशीर्वाद है यार, ऐसे बड़े बड़े दादा लोग का प्यार है। एंड जैसे मैंने कहा, इनका भी बहुत बहुत नाम है, बहुत अच्छा काम करते हैं कैंटर में। मैं कोशिश तो करती हूँ, आई होप और अच्छा करेंगे हम मिलकर। हर साल अब आओ एग्जाम स्टूडेंट लोग को ऑल द बेस्ट, इतना एग्जाम देना और परफॉर्मेंस करना,
हम चाहता है बहुत बढ़िया से करो। हर कभी कभी हमको मौली को बोले कि पूरा टीम लेके कलकत्ता में तर्पण। थैंक यू। चलो अभी हम शुरू करते हैं। चल रहा प्रैक्टिस, क्या हुआ, टेंशन क्यों कर रहे हो? यस, क्या चल रहा है? सब रेडी हो? घुंघरू घुंघरू पहन लिया? एक बार शुरू करेंगे, फटाफट करेंगे। चलो पहन लो। अच्छा, घुंघरू पहन के रेडी हो जाओ और जाके बैठो। अभी नहीं करना, उधर जाके सर को भी करना, मुझे भी करना। नमस्कार। वेरी गुड। आप जो डांस करते हैं, डांस का नाम क्या है? कथक। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश। और एक जगह है? नहीं, उस स्टाइल, तीन स्टाइल का नाम बोल दो। वेरी गुड। आपका डांस का मैम का नाम क्या है? वो कहाँ पर है? पूछे कहाँ पर है आपके टीचर गुरु? ओ, आप मैं? यस, मैं हूँ। वेरी गुड, तू अच्छा, बहुत अच्छा। आपका डांस भी कैसा लगा सर? बच्चों का डांस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये उसका ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लग जाए। वेरी गुड, एकदम कूल का माफी। जो गाना भी हुआ तुम्हारा एटीट्यूड का बहुत एकदम कूल का माफी होता है। वेरी गुड, समझ में आना कह रहे हैं आप सब लोग? ऐसे फूल के जैसे लग रहे हो, ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर्स। ओके। चलो, कैसे लग रहा है? पहली बार डांस का एग्जाम दे रहे हो, प्रो स्टेज शो किया। एंजाइटी तो है, नो डाउट। और वैसे जैसा मतलब मेरी तो आप ऐसे पूछ रहे हैं तो मेरी तो आप में आपका आ रहा है। आप एंग्शियस हो, इमोशनल हो। और स्टेज शो घुंघरू मैंने जिंदगी में पहली बार मुझे मौली दीदी ने दिया। अच्छा, स्टेज शो भी करी है? हाँ, एनुअल प्रोग्राम किया अभी। प्रोग्राम किया और आज फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं स्कूल में कर रही थी। नहीं नहीं, ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा ही होगा, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा पॉसिबल है तो चश्मा खोल लीजिए। ऐसा लगा अभी हिंदी में बोलिए तो समझ आएगा। बहुत अच्छा लगा। और एज में अब लोग जो स्पीड है, ये तो हम लोग का भी देख के पूरा बर्बाद। कैसा आप लोग कर रहे हैं? दिल खुश हो गया एकदम, दिल खुश हो गया। मैं तीन गुड, बहुत अच्छा डांस हुआ। आहू, हाँ अच्छा। आपका टीचर का नाम? अच्छा,
बहुत कड़ा है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, पूछ रहे बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं ये झूठ क्यों बोल रहे हो, बोलो हाँ है, है तो बोलो हाँ है। वो तो अरे बाप रे बाप, मेरा भी डर लग जाए। बस स्ट्रिक्ट है उसके साथ। हाँ तो ये बोलो ना दीदी, इतना अच्छा करते हैं ना, कलकत्ता में बहुत नाम है। कैसा लगा एग्जाम, कैसा हुआ? देखो छोटे बच्चे को सब छोड़ दिया, सीनियर को रोक के रखा है ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए मेरा लास्ट में बंद करने में, है ना? हाँ यस, बहुत अच्छा लगा, मैं दादा को थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा है आपको पर स्टूडेंट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो जोक से इतना अच्छा देखा है हम लोग तो। आई लाइक ओके वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। घुंघरू खोल लिया, सर को थोड़ा नीचे तक छोड़ के आओ। कैसा लगा दीदी, कैसा था एग्जाम? देखो एग्जाम तो हर साल अच्छा ही होता है, मेरे बच्चे तो अच्छे करते ही हैं, लेकिन मैं इतने प्रेशर में थी ना, इतना काम चल रहा है मेरा, तो आज थोड़ा सा ऐसा लगा, हाँ थोड़ा सा तो रिलीफ मिला मुझे, लेकिन आगे भी और बड़ा काम है। पर मैंने ये सोचा मई महीना पूरा मैं डांस भूल जाऊंगी, मैं कुछ सोचूंगी नहीं, अगले महीना मैं पूरा आराम करूंगी, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का फोन आ रहा है, आप अभी क्लास ले लीजिए छुट्टियों में थोड़ा नहीं, हर बार लोग आते हैं फोन करते, पर मैं ना करती हूँ, और इस साल तो मैं मतलब सुन ही नहीं रही। तो मैं चाहती हूँ एक महीना मैं थोड़ा आराम करूँ, क्योंकि उसके बाद और बड़ा काम है तो और जोश चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्द फिर आप लोगों को मिलूँगी, और भी कुछ नया नया बातें मैं बताऊँगी, प्लान बहुत कुछ है, तो बहुत जल्द फिर मिलूँगी तुम लोगों से, भी मिलूंगी लेकिन मई के बाद, मई के बाद। ओके चलो बाय।